सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो हर एक रीजन का एक स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर होता है जिसने उस रीजन के पोकेमॉन लीग इलाइट 4 और पोकेमॉन चैंपियन को डिफीट किया हो और उसी को पोकेमॉन चैंपियन कहा जाता है। तो हाँ, आज हम हर एक पोकेमॉन चैंपियन की पोकेमॉन टीम को देखने वाले हैं और हाँ, इसमें पुराने चैंपियंस नहीं होंगे जो कि डिफीट हो चुके हैं। तो हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला आता है कैंटो रीजन। कैंटो का चैंपियन और जोटो का चैंपियन सेम है, जो कि है लैंस। तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर लैंस के सिर्फ और सिर्फ दो ही पोकेमॉन दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला उसका ड्रैगनाइट है। लैंस का ड्रैगनाइट हमें सबसे पहली बार टॉकिंग अबाउट एन एवोल्यूशन नाम के एपिसोड में देखने को मिला था और ये पोकेमॉन एनिमे या फिर गेम्स हर जगह पे लैंस का मेन पोकेमॉन है। और इसी सेम एपिसोड में लैंस ने अपना सेकंड पोकेमॉन पकड़ा था, जो कि था शाइनी गैलाडोस, और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लैंस ने अपने गैलाडोस को यूज किया था, जहाँ पे वो डायनामैक्स भी हुआ था, बट लास्ट में लियोन के जिगेंटामैक्स चारिज़ार्ड से हार गया था। अब मेरे अकॉर्डिंग लैंस का थर्ड पोकेमॉन हो सकता है चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड लैंस का बहुत ज्यादा मेन पोकेमॉन है पोकेमॉन गेम्स में, और हो सकता है कि पोकेमॉन एनिमे के अंदर भी लैंस के पास चारिज़ार्ड हो, बट हमें वो दिखाया नहीं गया है। लैंस का फोर्थ पोकेमॉन होगा टायरिनिटार। पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में लैंस ने एक प्यूपिटार को पकड़ा था, जो कि उसने लैंस को दे दिया था, और सिल्वर के ओनरशिप में वो फुली इवॉल्व हो गया टायरिनिटार में, बट सिल्वर उसको कंट्रोल नहीं कर पा था, जिस वजह से सिल्वर ने टायरिनिटार वापस रिटर्न कर दिया लैंस को। तो हाँ, लैंस का फोर्थ पोकेमॉन होगा टायरिनिटार। बात करें फिफ्थ पोकेमॉन की, तो वो हो सकता है एरोडैक्टाइल। तो जिस तरह से चारिज़ार्ड लैंस के टीम में कंफर्म है, उसी तरीके से एरोडैक्टाइल भी लैंस के टीम में कंफर्म है। लैंस के पास पोकेमॉन मांगा और गेम्स दोनों के अंदर एरोडैक्टाइल है। और जो लैंस का लास्ट पोकेमॉन होगा वो होगा किंगड्रा। किंगड्रा एक वाटर और ड्रैगन टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 2 यानी कि जोटो रीजन से, और ये भी लैंस के टीम में रह चुका है पोकेमॉन गेम्स में। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग यही लैंस की टीम हो सकती है। अब नेक्स्ट आता है होइन रीजन, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कैंटो और जोटो का चैंपियन एक ही है, जो कि है लैंस, और वहीं पे होइन का चैंपियन है स्टीवन। तो स्टीवन का सबसे पहला और मेन पोकेमॉन है शाइनी मेटाक्रॉस, जो कि मेगा इवॉल्व भी हो सकता है शाइनी मेगा मेटाक्रॉस में, और हमने इसको पोकेमॉन एनिमे में मेगा इवॉल्व होते हुए भी देखा है। एंड शायद ये पोकेमॉन एनिमे का सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेगा इवॉल्व पोकेमॉन है। तो हाँ, डेफिनेटली ये स्टीवन के टीम में रहेगा। स्टीवन के टीम का नेक्स्ट पोकेमॉन है एग्रॉन। स्टीवन ने अपने एग्रॉन का तब यूज किया था जब टीम रॉकेट एश पिकाचु को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे ग्रेनाइट केव में, और इसको हाइपर बीम अटैक भी आता था। तो इसके अलावा स्टीवन के एक भी पोकेमॉन रिवील नहीं है पोकेमॉन एनिमे में। अब स्टीवन का थर्ड पोकेमॉन होगा मेरे अकॉर्डिंग स्कारमरी, जो कि स्टील और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है। अब स्टीवन होइन से बिलोंग करता है एंड वो स्टील टाइप स्पेशलिस्ट है, और उसके दोनों पोकेमॉन जो कि रिवील किए गए हैं पोकेमॉन एनिमे में, वो दोनों के दोनों स्टील टाइप है एंड होइन से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह स्कारमरी भी एक स्टील टाइप का पोकेमॉन होइन से, तो हो सकता है स्टीवन ने इसको भी कैच किया हो, और पोकेमॉन गेम्स में भी स्टीवन ने स्कारमरी को कैच किया है। और अब स्टीवन के फोर्थ और फिफ्थ पोकेमॉन होंगे आर्माल्डो और क्रेडिली। दोनों फॉसिल पोकेमॉन है, क्रेडिली रॉक और ग्रास टाइप की है, वहीं पे आर्माल्डो रॉक और बग टाइप का है, और दोनों ही पोकेमॉन स्टीवन के पास पोकेमॉन गेम्स में है। तो स्टीवन का लास्ट पोकेमॉन होगा क्लेडॉल। क्लेडॉल एक ग्राउंड और साइकिक टाइप का पोकेमॉन है एंड ये पोकेमॉन भी स्टीवन के पास पोकेमॉन गेम्स में है। अब नेक्स्ट रीजन है सिनो रीजन। सिनो के चैंपियन है सिंथिया, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन भी माना जाता है अब तक का। और अभी तक सिंथिया के 5 पोकेमॉन पोकेमॉन एनिमे में दिखाए जा चुके हैं, जिनमें सबसे पहला उसका मेन पोकेमॉन गार्चॉम्प है। गार्चॉम्प को सिंथिया ऑलमोस्ट हर एक बैटल में यूज करती है एंड उसको अभी तक कभी भी हारते हुए नहीं दिखाया गया है, यानी कि अभी तक उसने जितनी भी बैटल्स करी है वो सारी बैटल्स वो जीता है। तो हाँ, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। सेकंड पोकेमॉन होगा सिंथिया का गैस्ट्रोडॉन, जो कि हमें पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के एपिसोड 97 में देखने को मिलता है, जहाँ पे सिंथिया ने इसको टीम गैलेक्टिक के गोलबैट के सामने यूज किया था, और आगे जाके गैस्ट्रोडॉन ने एरन के ड्रैपियन को भी डिफीट किया था ताकि सिंथिया अपने चैंपियनशिप टाइटल को डिफेंड कर पाए। सिंथिया के थर्ड पोकेमॉन है ग्लेशियन, इसको सिंथिया ने ज्यादा यूज नहीं किया, बट हाँ, यह हमें एनिमे के अंदर देखने को मिला है। सिंथिया का फोर्थ पोकेमॉन एक और सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है, जो कि है कोमोओ। कोमोओ को सिंथिया ने तब यूज किया था जब टीम रॉकेट एश के पिकाचू को चुराने की कोशिश कर रहे थे, और यह हमें रिसेंटली पोकेमॉन जर्नीस में देखने को मिला था। सिंथिया का नेक्स्ट पोकेमॉन होगा रोज रेड। ये हमें पोकेमॉन लेजेंड आर्सेस के स्पेशल आर्क में देखने को मिला था, जहाँ पे सिंथिया ने इसको टीम गैलेक्टिक के सामने यूज किया था। अब सिंथिया का लास्ट पोकेमॉन होगा स्पिरिटूम, जो कि हमें पोकेमॉन एनिमे में तो नहीं बट पोकेमॉन गेम्स में देखने को मिला है।
नेक्स्ट है यूनोवा रीजन यानी कि जेनफा। यहाँ का पहले का चैंपियन एल्डर था बट अब आयरिस है, क्योंकि आयरिस ने एल्डर को डिफीट कर दिया है एंड अब वो नई चैंपियन बन चुकी है। और ये पोकेमोन जर्नीस में रिवील किया गया था, तो अब आयरिस की पोकेमोन टीम देख लेते हैं। आयरिस की टीम का सबसे पहला पोकेमोन होगा हेक्सरस, जो कि पहले एक्स्यू था बट अब फुली इवॉल्व हो चुका है, और ये अब आयरिस का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। आयरिस का सेकंड पोकेमोन होगा ड्रैगनाइट। ड्रैगनाइट आयरिस का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है एंड ये हमें पोकेमोन जर्नीस में देखने को मिला था। थर्ड और फोर्थ पोकेमोन होंगे एस्काड्रिल और इमोलगा। दोनों पोकेमोन डिसेंट है, ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ना ही ज्यादा वीक है। और मेरे अकॉर्डिंग आयरिस के टीम का पांचवा पोकेमोन होगा गार्चॉम। तो आयरिस एक ड्रैगन मास्टर बनना चाहती है एंड उसके पास एक गिबल था यूनोवा रीजन में, बट पोकेमोन जर्नीस में हमें ये पता नहीं चला कि उसका गिबल फुली इवॉल्व हुआ है या फिर नहीं हुआ है। और मेरे अकॉर्डिंग अभी तक गिबल भी फुली इवॉल्व हो चुका होगा गार्चॉम में, बिल्कुल एक्स्यू के तरह, क्योंकि एल्डर को डिफीट करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन चाहिए होंगे, इसलिए आयरिस ने अपने गिबल को भी फुली इवॉल्व किया होगा। और फिर आयरिस का लास्ट और फाइनल पोकेमोन होगा ड्रेडिगन, जो कि हमें पोकेमोन जनरेशन सीरीज में देखने को मिला था, जहां पे आयरिस ने ड्रेडिगन को टीम प्लाज्मा से फाइट करने के लिए यूज किया था। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये आयरिस की परफेक्ट टीम है। अब बात कर लेते हैं कैलोस की। वेल, कैलोस की चैंपियन है डायंथा। डायंथा का एक ही पोकेमोन रिवील्ड है पोकेमोन एनिमे में, जो कि है गार्डिवर। गार्डिवर पोकेमोन एनिमे, मांगा या फिर गेम्स हर जगह पे डायंथा की मेन पोकेमोन है एंड ये मेगा इवॉल्व भी हो सकती है मेगा गार्डिवर में। और इसको रिफ्लेक्ट, साइकिक, मून ब्लास्ट और शेडो बॉल जैसे मूव्स आते हैं, तो हाँ ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब डायंथा की सेकंड पोकेमोन होगी गुडरा। अब ऑलमोस्ट हर एक चैंपियन के पास सूडो लेजेंडरी पोकेमोन होता ही है, तो इसीलिए डायंथा के पास भी गुडरा होना चाहिए और पोकेमोन गेम्स के अंदर डायंथा के पास गुडरा है भी। और अब डायंथा के बाकी चार पोकेमोन होंगे हौलूचा, टायरेंट्रम, अरोरस और पमकाबू। ये सारे के सारे पोकेमोन डायंथा के पोकेमोन टीम में हैं पोकेमोन गेम्स में। अब नेक्स्ट आता है अलोला रीजन। अलोला का चैंपियन है हमारा ऐश, और ऐश की अलोला टीम काफी स्ट्रॉन्ग थी बट उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम ऐश की बन सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐश के चैंपियन टीम का सबसे पहला पोकेमोन पिकाचू होगा, जो कि ऐश के टीम में फिक्स होता है। ये जी मूव का यूज कर सकता है एंड इसने काफी सारे लेजेंडरी, मिथिकल या फिर सूडो लेजेंडरी पोकेमोन को डिफीट किया है, और ये ऐश का मेन पोकेमोन है। ऐश के सेकंड और थर्ड पोकेमोन होंगे ग्रीनिंजा और चारिजार्ड। ये दोनों पोकेमोन ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में से एक है। ऐश का ग्रीनिंजा बॉन्ड इवॉल्व भी हो सकता है और ये दोनों मिलकर अकेले काफी सारे पोकेमोन को डिफीट करने की पावर रखते हैं। और फिर ऐश के बाकी तीन पोकेमोन होंगे इन्फर्नेप, सेप्टाइल और फाइनली लुकारियो, जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा लुकारियो में, और डेफिनेटली ये भी चार्जर्ड और ग्रीनिंजा की तरह काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। अब फाइनली आते हैं गलार पे। गलार का चैंपियन है लियोन, जो कि सिर्फ गलार का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का चैंपियन है, क्योंकि उसको पोकेमोन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर माना जाता है एंड वो अभी तक अनडिफीटेड है। और लियोन का मेन पोकेमोन चारिजार्ड है, जो कि जायगंटामैक्स हो सकता है एंड ये लियोन का फर्स्ट पोकेमोन होगा। चारिजार्ड लियोन का स्टार्टर पोकेमोन था, जो कि उसको चार्मेंडर के फॉर्म में मिला था। और चारिजार्ड ने लैंस के गैलाडोस, एश के पिकाचू और रेहान के ड्यूरालूडॉन जैसे पोकेमोन को डिफीट किया है, और ये भी अनडिफीटेड है। लियोन का सेकंड पोकेमोन होगा उसका ड्रैकापुल्ट। ये हमें पोकेमोन जर्नीस के डार्केस्ट डे आर्क में देखने को मिला था, जहाँ पे लियोन ने इसको जायगंटामैक्स कोलोसल से बैटल करने के लिए यूज किया था। अब लियोन का थर्ड पोकेमोन होगा एजिस्लैश, जो कि 90% कंफर्म है कि ये लियोन के पास है, क्योंकि ये हमें लियोन के पास पोकेमोन गेम्स, पोकेमोन ट्वाइलाइट विंग्स और पोकेमोन एवोल्यूशन तीनों में देखने को मिल चुका है। सिर्फ अभी तक एनिमे में नहीं दिखाया गया। और लियोन के बाकी तीन पोकेमोन होंगे हेक्सरस, सिंड्रेस और सेस्मिटॉड, और ये तीनों पोकेमोन गेम्स में लियोन के टीम में है। वेल गाइस, ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।